હું પ્યોર એન્ડ જનરિક ન્યૂઝ ચેનલથી સંતોષ પંડિત વાત કરું છું. હવે આ જો જોઈ રહ્યા છે જે ખડ્ડો હાજી પાર્કની સામે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સામ્રાજ્ય કોમ્પ્લેક્સની બહાર ગડ્ડો પડેલ છે અને એની કામગીરી ચાલુ છે. તો હર્ષદ પટેલ, અકોટા બ્રિજથી મુનોડા એટીએસ તરફ સુધીના રોડ પર જે ભૂવાઓ પડેલા છે વરસાદના કારણે અને કંઈક તકલીફોના કારણે, તો એ ભૂવાઓનું રિપેરિંગ કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જલ્દી જ બતાવીશું કે પબ્લિકને તકલીફ ના પડે એવું. ઓકે સર, અને આમાં એકચ્યુઅલી શું પ્રોબ્લેમ શું થઈ રહ્યું છે કે આમાં પ્રોબ્લેમમાં કે ગટર લાઈન બહુ જૂની છે ને, ઓકે, કારણે કંઈક તકલીફો છે તો નીચે કંઈક ચેમ્બર બી તૂટ્યું હોય એવું બધું કંઈક અલગ અલગ જગ્યાએ એવું થાય છે. ઓકે, તો એનું રિપેરિંગ કામગીરી ચાલી રહી છે. મારા નામ અહેમદ પટેલ, અકોટા હોય છે तो बहुत पहले से ट्रैफिक की प्रॉब्लम समस्या वगैरह वगैरह बहुत है. दूसरी बात है कि पानी की वगैरह वगैरह यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है, इसकी वजह से डीलर कार की हो रही है, कॉरपोरेशन की भी हो रही है, संस्था की भी हो रही है, कॉरपोरेटर की भी हो रही है. यहाँ पे कोई आता नहीं है, देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है. हम लोग बहुत फ़ोन कर करके बुला रहे हैं सबको. खेत का भी कभी कोई आता है और थोड़ा बहुत साफ करके चला जाता है. और इसकी समस्या ट्रैफिक की भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और पानी भी यहाँ पे बहुत भरा रहता है. बारिश थोड़ा सा भी बारिश गिरेगा तो रोड के ऊपर पानी ही पानी रहता है. इसके लिए हमारी सरकार से भी विनंती है, कॉरपोरेटर से भी विनंती है, संस्था से भी विनंती है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देवे और इस रोड को ज़रा समस्या इसकी सॉल्व करें. यहाँ से VIP रोड जैसा है, यहाँ होटल चार होटल भी आ गई है, पेट्रोल पम्प भी आया है और मेन ट्रैफिक यहाँ से ज़्यादा हो रही है. सरकार से हमारी विनंती है कि इस पर ज़रा ध्यान देवे और बेदरकारी दूर करें. थैंक यू.